रेडी स्टार्ट। लॉर्ड मैकाले वाज ब्लेस्ड विद द पसेशन ऑफ रेयर पावर्स ऑफ मेमोरी। हिज एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स वाज इमेंस। ही वाज ऑलमोस्ट इन ए स्टेट ऑफ सब्जेक्शन टू हिज मेमोरी एंड ए सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन हिज पसेशन एट एनी टाइम वुड हैव बीन ए रिविलेशन इवन टू हिमसेल्फ। द रिटेंशन एंड रिपीटेशन ऑफ फिगर्स द मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स इन डिस्कशन द सेलेक्शन एंड साइटेशन ऑफ ऑथोरिटीज कॉज्ड हिम नो हेजिटेशन। ही वॉज टू हैव बीन ए बैरिस्टर बट द लीगल प्रोफेशन हैड नो फैसिनेशन फॉर हिम। मैकाले टुक ए शेयर इन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन बट हिज रेप्यूटेशन रेस्ट्स मेनली ऑन हिज फेमस एसेज। हिज क्रिटिसिज्म ब्रॉट हिम इनटू ऑपोजिशन विद सेवरल फैशनेबल ऑथर्स एंड हिज एक्सपोजिशंस ओकेजनली प्रोड्यूस्ड बिटरनेस इन अपोजिट फैक्शंस। लॉर्ड मैकाले वॉज ब्लेस्ड विद द पसेशन ऑफ रेयर पावर्स ऑफ मेमोरी। हिज एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स वॉज इमेंस। ही वॉज ऑलमोस्ट इन ए स्टेट ऑफ सब्जेक्शन टू हिज मेमोरी एंड ए सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन हिज पसेशन एट एनी टाइम वुड हैव बीन ए रिविलेशन इवन टू हिमसेल्फ। द रिटेंशन एंड रिपीटेशन ऑफ फिगर्स द मैनिपुलेशन ऑफ
facts, in discussion, the selection and citation of authorities caused him no hesitation. He was to have been a barrister, but the legal profession had no fascination for him. Macaulay took a share in the promotion of education, but his reputation rests mainly on his famous essays. His criticism brought him into opposition with several fashionable authors, and his expositions occasionally produced bitterness in opposite factions. Stop.